What's up everyone here, Arjun is back again with new video. So everyone, kaise kai? So guys, मैं आज हमारी जो AC servicing के बंदे आने वाले हैं दो तीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है. मुझे एक्चुअली रात में ब्रीदिंग ही नहीं हो रही है, सो मेरा सांस है ना अटक जाती है, सो मुझे ब्रीथ करने नहीं होती है. तो सो हम लोग ने उनको फ़ोन किया है, सो आते हो गए आधे एक घंटे में. सो हम लोग तब तक वेट करते हैं और आप वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको मज़ा आएगा. तो बढ़िया सा लाइक करना और कमेंट करना, ओके. और अभी थोड़ी देर में आते होंगे, सो हम लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद और बातें करेंगे, ओके. टिल देन वेट. सो गाइस उनका फ़ोन आया था मुझे कि हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं. हम लोग आधे रास्ते में बहुत ही बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग रिस्क में आ रहे हैं, सो क्योंकि सब जगह टोल वगैरह लगा हुआ है, नाकाबंदी लगी हुई है, कोरोना का टाइम है. सो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था. हम लोग ने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया. सो अभी 5-10 मिनट में ही आते होंगे, फ़ोन तो किया है मैंने उनको, सो आते होंगे. सो देखते हैं अभी कब आएंगे, बट आप लोग भी रिक्वेस्ट किसी को कर सकते हो, लेकिन आप घर पे भी सर्विसिंग कर सकते हो. मैं आपको बताऊँगा कैसे सर्विसिंग करना है आपको, और नहीं बता पाया तो मैं सिर्फ जो वो इंसान आएंगे जब मैं वीडियो निकालूंगा उनकी, सो वो कैसे कर रहे हैं आप देखना और सेफ रहना उनसे. ज़्यादा जिधर हाथ लगा के जाएंगे वो वहाँ पे सैनिटाइज़र से साफ़ वगैरह कर लेना. उनको आए के जब सैनिटाइज़र देना हाथ में रफ़ करने के लिए बोलना, क्योंकि हमें सेफ़ रहना है, हमको कुछ होने नहीं देना, ओके. आप सेफ रहोगे सब सेफ रहेंगे. सो अभी 2-3 मिनट में ही आ जाएंगे, सो फिर गाइस वो 2 मिनट में आ गए और उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. मैंने वो आने की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए. अभी 7:30 बज रहे हैं और उन्होंने पूरा खोल दिया. जो उधर टॉर्च लगा रहे ना वहाँ पर का हमारा मोटर ख़राब हो गया, हमारा फ़ैन जो है वो घूम ही नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग ने उन्होंने पूरा खोल दिया उसे. फिर आप क्या करना, जो रहता है ना यहाँ पर एक जाली रहता है, मीन्स आपको सर्विसिंग करना होगा, वो आप जाली भी क्लीन कर दोगे ना आपको हवा अच्छी पास हो जाएगी. सो ये थोड़ा गंदा हो गया, ये चूहे ने वगैरह हमारे इधर का खा लिया था. जो कॉपर वायर रहता है ना वहाँ से आ गया था पीछे से, सो वो देखो पूरा था. और इसका ये अंकल का मटेरियल है सब उन्होंने लेके आए हुए और एकदम अच्छे से कर रहे थे, बट और कुछ तो एक प्रॉब्लम हो गया था, आई डोंट नो दैट. And he was saying something but I didn't get him. और ये जो कोई मैं zoom किया है वहाँ पर, यहाँ पर ही थोड़ा सा problem. उनको कुछ हमारे ऐसे में थोड़ा सा ज़्यादा ही problem हो गया था. So वो सामान जो material है वो मिला नहीं. हमारा जो motor रहता है AC का वो ख़राब हो गया था, और जो अंदर का फ़ैन होता है ना वो घूम नहीं रहा था. So वो अभी कल लेके आएंगे, तो next day तक हमें इंतज़ार करना है और मैं बताऊँगा आपको, ओके. सो मैंने आपको बोला था कि वो आएंगे तो मैं बता दूंगा, तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है. 3 जन आ गए एक साथ, फिर वो उनका ही ब्रदर है हमारे पहचान के, इसीलिए वो आए हुए हैं, बाकी कुछ नहीं. बट आपके भी पहचान के होंगे तो आप बुलाना, और वहाँ पर हम भी उन लोगों ने मोटर नया लेके आए बिठा देंगे. सो गाइस मैं ये क्लिपिंग आज ही बना रहा हूँ, बट वो 2 दिन की क्लिपिंग है मेरे पास, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ. वहाँ फिर वो नेक्स्ट डे गए, उन्होंने सब लेके आए और सब कर रहे तो है. और फिर उसमें भी फिर हमारा एक गैस, सब अलग अलग AC का गैस होता है. हम लोग का लोएडो का AC है, लोएड का. सो उसका गैस अलग होता है, उसको बहुत 1.5-2 घंटा हो गया रिपेयरिंग करते समय, तो बहुत टाइम गया हमारा वेस्ट. लेकिन आप जब आएंगे सैनिटाइजर से उनको सब करने के लिए बोलना, मास्क वगैरह पहन के आने के लिए बोलना उनको, ओके गाइस. सो फिर मैं उसके बाद फिर मैं गया इधर हमारे इधर रेजावेर गार्डन. सो वहाँ पर गया था, मैंने सोचा कि आपको कुछ बाहर की क्लिपिंग्स वगैरह दिखा दूँ. मेरे पास में ये गार्डन अच्छा है, सो आप गार्डन देखना, ओके. और फिर मुझे बताना, बहुत अच्छा गार्डन है, सीरियसली आई लाइक इट. और उसके पहले कभी कोई नहीं था वहाँ पर, मीन्स कोरोना के टाइम में अभी कोई भी नहीं है वहाँ पर, नहीं तो इसके पहले बहुत जन थे. वो जतरा बनती है ना, वैसे उधर लोग रहते हैं,
मीन्स खेलने में हम लोग वहाँ पर ही जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी। देखना, और इतना मीन्स येल्लो येल्लो फूल फ्लावर्स वगैरह सब पड़े हुए नीचे, तो एकदम मस्त लग रहा है नज़ारा उधर का, अच्छा है। देखिए फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इट्स नाइस। इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। बहुत दिनों बाद ये गार्डन खाली हुआ है। सीरियसली मेरे इधर के भी लोग देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे। और इतना क्लीन, मीन्स क्लीन कैसे है कि इधर गुटके वगैरह के रैपर्स रहते थे, अभी वो सब कुछ नहीं है वेफर्स वगैरह के, इसीलिए। और जो फ्लावर्स नीचे गिरे वो देखो कितना भारी लग रहा है, येल्लो येल्लो, मीन्स ऐसा लग रहा है कि किधर पिक्चर की शूटिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम, मीन्स लिटरली इज़ वेरी गेट। बहुत भारी लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस आ जाएगी, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था। और मैं फिर बोल रहा था कि देखो आप कितना भारी लग रहा है, मुझे ना जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे कि चल भाई, नहीं तो बंदे आएंगे पुलिस के तो बहुत मारेंगे। इसलिए हम लोग निकल के आ गए, इतने जल्दी नहीं बट 2-3 मिनट रुके उधर, अच्छे से वीडियो निकाली, फिर आए। और आप लोग देखना कितना भारी लग रहा है, उसे मेरी आवाज़ को इग्नोर कर दो मांगता है तो, बट जो नज़ारा दिख रहा है वो देखो कितना भारी लग रहा है। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये फीलिंग्स जो होती है ना बहुत अच्छी होती है जो दिख रही है आपको नेचुरल। ये अन दूसरे की प्रॉपर्टी है ये, इधर इसीलिए जाली लगाया है। और यहाँ पर देखो मीन्स ऐसे जंगल टाइप में रहता है ना, मुझे एडवेंचर पसंद है, इसलिए मैं ऐसे टाइप में घूमता हूँ ज़्यादा। आप लोग इधर से जंप कर सकते हो, मीन्स पुलिस वगैरह आती तो हम लोग जंप करके मीन्स भाग सकते थे, बट हमको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था इसलिए हम लोग फटाफट से वीडियो निकाली, फिर उसके बाद गए आराम से। मुझे थोड़ा सा आई थिंक लग गया था, एकदम छोटा सा क्रोच आ गया था बस, बाकी कुछ नहीं। और देखो आप एंजॉय एंजॉय। यही रोड है जो जहाँ से हमें जाना होता है, वहाँ पर एक गेट है, यहाँ पर बड़ा एक ग्राउंड है, हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। देखो ना आज पूरा सामसूम है, ये कोरोना आया ना बहुत डेंजर डेंजर। गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। गाइस प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी मेरे कंप्लीट करो, मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। और कीप योर मॉम डैड हैप्पी, यू ऑल्सो बी हैप्पी, बी इन योर लाइफ सक्सेसफुल एंड डू ग्रेट एंड स्टे एट योर होम सेफ। ओके, लव यू, बाय।